जाति राज व्यवस्था से पूछे जाने वाले प्रश्न, ग्राम सभा से पूछे जाने वाले प्रश्न पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिया गया है। अगर चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हाँ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लाइव क्लासेस थी है ना जो वीडियो में अपलोड कर दी गई है। कल हमारा लाइव क्लासेस था 8 बजे का, हाँ 8 बजे की लाइव क्लासेस थी, हाँ वीडियो में अपलोड कर दी गई है। पार्ट टू वीडियो है, यह पार्ट टू वीडियो है, पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। पहला क्लास ये आज का हमारा दूसरा क्लास है जो कि पंचायती राज और ग्राम सभा से पूछा गया प्रश्न है। हाँ, चलिए, हाँ प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। हाँ चलिए, प्रश्न 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कमेंट करते जाइएगा, कौन सा है? आंसर सी होगा, बी होगा, डी होगा, कौन सा होगा? कमेंट करते जाइएगा है ना, हाँ कमेंट कीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। अच्छा ये बताइए कि 74वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। हाँ 74वां संविधान संशोधन कौन सा में है? हाँ कमेंट में बताइएगा है ना, कमेंट कीजिएगा। हाँ डिगेश कमेंट कीजिएगा। हाँ चलिए अगला देखते हैं। हाँ अगला देखेंगे। हाँ हाँ जी जी जरूर। हाँ पहला क्लास हो चुका है ना, पहला क्लास हो चुका है। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा। पंचायती राज की जो आधार है ग्राम सभा से है। ग्राम सभा पंचायती राज का आधारशिला होता है, उसका आधार होता है, बेस होता है। चलिए हाँ डिगेश, बेस होता है उसका, आधार होता है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों पर, जो बाजार में मेला पर लगता है वहाँ से पंचायतों के द्वारा कर वसूला जाता है। जी हाँ, बाजार, जैसे कि देखिए यहाँ पर बाजार लगता है, मेला लगता है, वहाँ से आप कर वसूला जाता है पंचायतों के द्वारा। जैसे बाजार हटरी वगैरह लगता है ना, हटरी, हाँ हाँ जी। हाँ चलिए, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर है, करा सकते हैं है ना, ग्राम पंचायत के द्वारा राज्य सरकार से निर्भर करता है। हाँ चलिए अगला देखेंगे। ग्राम पंचायत राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन सा है? देखिए पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन सा है? तो पंचायती राज संस्थाओं के निम्न है ग्राम सभा व पंचायत, दोनों आएगा इसमें, दोनों दोनों का मैंने होगा है ना, ग्राम पंचायत और पंचायत। चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल राकेश, हाँ क्लास हो गया है। जी, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मान्यता किसने की थी? किसने की थी? अशोक मेहता समिति। देखिए 1977 में जो 1977 में जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो अशोक मेहता समिति के लिए गठित की गई है। हाँ जी बिल्कुल। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है, पंचायती की जो मुख्य उपलब्धि है सामाजिक चेतना का विकास है ना, सामाजिक चेतना का विकास होगा। हाँ जी बिल्कुल, सामाजिक चेतना का विकास होगा। पंचायती राज की प्रधान समस्या है, पंचायती राज की प्रधान समस्या कौन सा है? दलगत राजनीति, दलगत राजनीति होगा, हाँ दलगत राजनीति। चलिए अगला देखेंगे। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। पंचायती राज का विषय क्या है? पंचायती का जो विषय होता है राज्य सूची में होता है, पंचायती राज का जो विषय होता है हाँ राज्य सूची में होता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती का उद्देश्य है कि देखिए जनता को, हाँ जनता को विकास में प्रशासन, जनता का विकास मूलक प्रशासन। हाँ डी होगा आंसर, डी होगा, हाँ डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला देखेंगे।
जी जी जिला के देखिए देश में स्त्री पंचायती राज व्यवस्था किन किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था है जो त्रिस्तरीय संरचना होती है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, राजस्थान के नागौर जिला और सेकंड क्या है आंध्र प्रदेश होगा, आंसर डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो नीति निर्देशक का सिद्धांत होगा, जी बिल्कुल। चलिए अगला देखेंगे, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया है 1959 में, हाँ 1959 में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया है, जी बिल्कुल। पंचायती राज का प्रथम प्रवित किया गया है राजस्थान, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, जिनको डाउट है कमेंट कीजिएगा और जिनको डाउट नहीं है वो भी कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, लाइक करते जाइएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लीजिएगा, बिल्कुल। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके, हाँ हाँ जी, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा है ना नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, हाँ हाँ जी बिल्कुल साहू जी, हाँ लीली माँ, कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया, हाँ चलिए मैं आपको करा दूँगा, जी जी। 36वां प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन है जो कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा है, जी बिल्कुल, हाँ एक तिहाई भी है आंसर उसका, एक तिहाई है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे ना, 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, कम से कम एक तिहाई, कम से कम एक तिहाई आंसर ए होगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित है, भाग 9 में, ठीक। सामान्य पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, उपयुक्त तो सभी होगा, पदेन सदस्य होता है, हाँ पदेन सदस्य होगा, सहयोग सदस्य होगा और सहयोजित सदस्य होगा, हाँ आज के लिए बस इतना ही। पार्ट टू वीडियो है, पार्ट थ्री वीडियो कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जी PDF में भी डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जी जी। चलिए अगला है पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है बलवंत राय मेहता समिति, आपको पहले मैं बता चुका हूँ जब भी आपको पंचायती राज से संबंधित मिलेगा तो बलवंत राय मेहता समिति ही होगा, जी बिल्कुल। अच्छा चलिए, तो आज हम आधे घंटे का क्लास है हमारा, आधे घंटे का। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, तो 1959, पहले पार्ट वन वीडियो में देखा था इसको, है ना। पंचायती राज प्रणाली कहाँ से कहाँ नहीं है, पंचायती राज की जो प्रणाली है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है और राजस्थान में है। तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी, और दूसरा कहाँ लागू की थी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। चलिए अगला देखेंगे, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज के सर्वप्रथम सिफारिश की थी, बलवंत राय मेहता समिति, आपको पहले भी बता चुका हूँ जब भी आप पंचायती राज से संबंधित मिलेगा बलवंत राय मेहता को आँख मूंद कर टिक लगा देना है, हाँ जी बिल्कुल। पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान के संशोधन करने के सर्वप्रथम बीड़ा किसने उठाया था, राजीव गांधी ने उठाया था, जी बिल्कुल। डेली आपको 20-20 क्लासेस कराया जाएगा, 20-20 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
यहीं से पूछे जाएंगे 4 या 5 नंबर। आप डेली क्लासेस करते रहिएगा। हाँ, शेयर करते जाइएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ, सबसे पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन रहता है उसका बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में देखेंगे 5:00 PM। हाँ, राजीव कह रहे हैं कि छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कब से है। 15 मई से स्टार्ट हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 5:00 PM की बैच लगती है और रेडियो की क्लास 8:00 PM की जो लाइव क्लास चलती है। हाँ जी बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस है, बिल्कुल फ्री है। PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। जी बिल्कुल, हाँ हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। 5:00 PM की बैच पर डेली आपको क्लास करना होगा। 5:00 PM की बैच लगती है। हाँ, इसको मैं अपलोड कर दूँगा। हाँ, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल, चलिए बाय बाय।